दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये ले जी दोस्तों, मार्केट से एक शार की कबूतरी पसंद आई थी। किसी दोस्त भाई ने कहा था कि शार की कबूतरी मुझे ढूंढ के दे, तो मुझे एक नंबर जो शार की कबूतरी नजर आई और इत्तफाक की बात है कि उसने अंडा भी दे दिया। ये देखें अंडा, इसने अंडा भी दिया और एक अंडा इसने भी देना है। और अंडा इससे बड़ी क्या गारंटी हो सकती है कि अंडा उसने दे दिया। तो हमारे साथ है मलक साहब, माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा रखते हैं कबूतरबाजी में, तो बड़ा नॉलेज है इनका। तो उस्ताद जी से पूछते हैं कि उस्ताद जी, शार की कबूतरी के बारे में बताएं। ठीक है, इस शार की कबूतरी के बारे में बताएं, ये कैसी है? हो सकता है कि मैंने ही गलत परचेज कर ली हो। देखिये उस्ताद जी, मतलब ये जनाब शार की असली है, पुरानी नस्लों से होती है। इनको कोई आदमी समझता, हर आदमी नहीं समझता। ये कितने दिन की पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये दोस्त आए उन्होंने परचेज की है। ये असल शक्ल वाली मादी है, इनकी पहचान ये है पुरानी नस्लों में कि इसकी काली चोंच होती है, नीचे से ऊपर से वाइट होती है, इसी इन नाम जानने से पहचानी जाती है। तो आम लोगों को नहीं पता, आम लोग जो भी है ना, कल सिरा हो गया, शाह सिरा हो गया, टैडी हो गया, ये चीजों को पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, नयाब चीज है, ये सदियों में एक बार मिलती है, वो भी किसी किस्मत हो, वरना हर आदमी को ये चीजें नहीं मिलती है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल जेन्युइन है बिल्कुल। सर जी, मुझे शक बढ़ता है कि जैसे पचाल कबूतर है, वो उनके अंदर भी इन कबूतरों का क्रॉस है। उनके अंदर भी इनको क्रॉस जरूर है, पचाल के अंदर भी है। यही चीज बनती है, इनके पंजे देखे, हाँ जी बिल्कुल साफ सुथरे हर चीज, ये बहुत अच्छे जोड़े की है। ये ले दोस्तों, इतनी महंगी भी नहीं ली मैंने, ठीक है ना। ये मुझे एक दोस्त ने कहा था तो मुझे मार्केट से मिल गई, हाँ जी। तो मलक साहब से इसके बारे में पूछा है, इसकी खूबी खामी के बारे में भी पूछ लिया है। आइए जरा आंख से चेक कराएं जरा। ये ले जी दोस्तों, आप भी देख के शौक कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपको शार की फीमेल कैसी लगी है। जो हमें पुराने उस्तादों ने बताया था, जो मेरे पास तजुर्बा था, उसके मुताबिक मैंने परचेज की है। क्योंकि पुराने उस्तादों का मानना था जो शार के कबूतर होते हैं, उनकी नीचे से नोक जो ना ब्लैक होती है, ठीक है ना। इसकी भी ब्लैक है, सफेद। ये देखें शार के कबूतर का कलर ऐसा होता है, और ये अपने कलर में भी पूरी है, ठीक है। और इसकी दुम का कलर भी सफेद है, ये काली दुम में भी होते हैं। ये जरूरी नहीं कि इनकी दुम सफेद हो, लेकिन ये इसका बैलेंस देखे, इसकी दुम देखे, बिल्कुल माशाल्लाह सिंगल पत्ता है। और ये मार्केट में पड़ी हुई अपने कलर की वजह से किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और ये इंशाल्लाह ताला जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक है कि ये 100% बच्चे उड़ाएगी। इसके पास साथ अच्छा कबूतर लगे तो वो, जिस दोस्त ने मुझे कहा था उसके पास शार का कबूतर था, काफी अरसे से उसे फीमेल की तलाश थी, उसे नहीं मिली थी। तो मलिक साहब और इसके बारे में इसकी खूबी बताएं। इसकी खूबियां ये देखो ना, जैन बनाए, इसके सर के ऊपर देखें, हाँ। ये सर के ऊपर ये खुद ताज बना हुआ है, बिल्कुल सोना ने ताज है। देखो यहाँ से चलता है, ये देखो यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है। ये प्योर प्योरिटी में जो होते हैं ना, उनकी यही खूबियां होती है। ऐसे तो आम तो लोग इसको कोई आदमी पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ना हीरे की कदर जो होती है ना, एक जुआरी जान सकता है जो उसको समझता है। ये देखो एक पत्ते की मादी है, बिल्कुल देखो लोग टैडी गोल्डन के पीछे लगे हुए हैं, इन कबूतरों को भूल चुके हैं, इन कबूतरों को भूल चुके हैं, पुरानी नस्लों को या पुरानी खुराकों को भी। आजकल लोग जो उड़ाते हैं वो भी मेडिसिन पर कबूतर उड़ाते हैं, लेकिन मेडिसिन वाला कबूतर एक सीजन आपको परवाज दे सकता है, ज्यादा लंबी परवाज नहीं दे सकता। मेडिसिन के आप हक पे नहीं है, मेडिसिन तो बिल्कुल बेकार, एक एक परवाज होगी या गिर जाएगा या शाम को आ जाएगा, लेकिन जो है ना वो देसी इलाज जो ना, वो कहते हैं ना पुराना नवा 9 दिन, पुराना 100 दिन, पुरानी खुराकों पे कबूतर उड़ाए और अपना अच्छे तरीके से अलगल्ड पाए। जो आदमी नए मेडिसिन पर लगे वो किसी काम का नहीं है, कबूतर एक बार दो बार किल निकालेगा, खत्म का नहीं। और देखो ना 10-15 साल कबूतर उड़ते हैं, खुराकों पे उड़ते हैं, खुराक अच्छी होनी चाहिए और एक उस्ताद अच्छा होना चाहिए और ब्लड लाइन भी अच्छी होना जरूरी है। उस्ताद का होना तो उस्ताद बिन उस्ताद तो आदमी नहीं होता, उस्ताद का होना जरूरी है, लेकिन परवाज भी करने वाला कबूतर में ब्लड लाइन भी अच्छी होनी चाहिए। ब्लड लाइन अच्छी होगी तो
और दूसरी बात एक है कि छत मालक भी अच्छा होना चाहिए। सही, मार्केटों से अच्छा कबूतर मिल जाता है जो शाम तक उड़े? मिल जाते हैं, आदमी को परख होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, मिल जाते हैं कबूतर। जैसे मर्जी कबूतर ले लो, मिलते रहते हैं। मार्केट में खर्चो, हाँ जी, माल मिलता है। अच्छा, मार्केट में टाइम में कोई आदमी 200 का लेता है वो भी अच्छा उड़ जाता है, तो कोई आदमी 50,000 का लेता वो नहीं उड़ता। लेकिन परख बहुत जरूरी है, आदमी को शनाख्त होनी चाहिए। एक आदमी ने 100 रुपए का कबूतर लिया था दड़बी से, इधर शहर का है आगे, ठीक है, तो वो उसके पास 4 साल उड़ा है। सही है, 4 साल शाम तक बैठा है, 4 साल वो विनर रहा उस इलाके में। 100 रुपए का कबूतर लिया था, वो भी शार्क ही था। हाँ, वो भी शार्क ही था। तो ये देखिए, ये भी शार्क ही है, तो मार्केटों से अच्छा कबूतर मिल जाता है। शार्क के कबूतर काली ऊपरो ताज होना चाहिए, ताज होना बहुत जरूरी है इस मामले से। ये दोस्त मार्केटों से कबूतर परचेज करते हैं, कईयों का मानना है कि मार्केटों में अच्छा कबूतर नहीं मिलता, तो मैं तो कहता हूँ कि मार्केट सबकी उस्ताद है, सबकी उस्ताद है। किसी के घर में जाओ ना, हाँ जी, बोलो 1,000 का दे दो, 1,500 दे दो, फड़े फटता कबूतर 1,000-1,500। जब मार्केट में आते हैं ना, हाँ जी, तो इतना महंगे नहीं होते हैं। ये देखो, भी परचेज कर रहे हैं 250-300 का, हाँ जी, 500 का, 100-200 रख के इन्होंने अपने बच्चों का रिजल्ट कमाना है, वो उनका राइट है, उनका हक है, उनका हक है। तो मर भी जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, बीमार भी होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे नबी पाक का फरमान है, जिस चीज में नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है ना, नफा नुकसान वो सूद में कराया जाता है। लेकिन बहरहाल बेहतर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात बताई मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। दोस्तों, मलिक साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा, बड़े मुखलस इंसान है, ठीक है, और हेल्पफुल है, माड़े बंदे की, गरीब बंदे की अगा बगा मदद भी करते रहते हैं, मुझे इनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला जज़ा दे।